आपको इन पिक्चर्स को देखना है बच्चों और आपको ये बताना है कि जो इन कामों को करने के लिए किस बॉडी पार्ट की जरूरत पड़ी है फर्स्ट इज आई सी वर्ल्ड अराउंड विद माई तो बच्चों हम किससे अपने आसपास के संसार को देखते हैं तो विद माई आईज आई स्मेल विद माई नोज आई लिसन विद माई ईयर आई टेस्ट विद माई टंग लेट्स स्टार्ट द चैप्टर अमेजिंग लिविंग मशीन इट कैन सी एंड रिप्रोड्यूस नो अदर मशीन कैन डू ऑल दिस थिंग्स टुगेदर अब देखिए बच्चों जो ह्यूमन बॉडी होती है वो एक लिविंग मशीन है इसी मशीन की मदद से बच्चों हम देख सकते हैं सुन सकते हैं टेस्ट कर सकते हैं और फील भी कर सकते हैं एक ही समय में इट कैन ऑल्सो मूव ग्रो ब्रीथ एंड रिप्रोड्यूस ये बच्चों मूव भी कर सकती है बढ़ भी सकती है ब्रीथ भी कर सकती है और रिप्रोड्यूस भी कर सकती है नो अदर मशीन कैन डू ऑल दीज थिंग्स टूगेदर और कोई भी मशीन बच्चों ऐसी नहीं है जो ये सारी चीजें एक साथ कर पाए तो अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन बॉडी के बारे में ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी जो ह्यूमन बॉडी होती, होती है वो बहुत छोटे छोटे unit से बनी है जिन्हें हम सेल कहते हैं बॉडी जो सेल्स होते हैं वही हमारी मेन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं दी सेल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स और ये बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं सेल्स

Of our body. और जो ऑर्गन होते हैं वो हमारी body के different parts होते हैं. Words to know, tiny. Tiny का मतलब मतलब होता है बच्चों बहुत छोटा कि कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन बॉडी और बच्चों ये जो ऑर्गन होते हैं ये एक साथ मिलके एक ह्यूमन बॉडी बनाते हैं डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम वर्क टूगेदर टू मेक इट पॉसिबल फॉर द बॉडी टू प्ले वर्क ग्रो एक्सेट्रा और जो डिफरेंट ऑर्गन होते हैं बच्चों वो एक साथ मिलकर जब काम करते हैं तो वही काम की वजह से हम खेल पाते हैं काम कर पाते हैं और ग्रो कर पाते हैं तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले सेंस ऑर्गन्स के बारे में वी नो एवरीथिंग अबाउट अवर वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ अवर सेंस ऑर्गन अब देखिए बच्चों हमें इस अपने आसपास की जो चीजें हमारे आसपास हो रही हैं उसके बारे में हमें सेंस ऑर्गन से पता चलता है सेंस ऑर्गन कनेक्ट अस टू द सेंस बच्चों जो हमें सराउंडिंग के साथ कनेक्ट करते हैं ह्यूमन बॉडी हैव फाइव सेंस ऑर्गन। हमें हमारी बॉडी में कितने सेंस ऑर्गन होते हैं बच्चों पांच सेंस ऑर्गन होते हैं आईज, ईयर नोज टंग एंड स्किन आईज हेल्प अस टू सी थिंग्स अराउंड अस देखिए बच्चों जो आइज होती हैं वो हमें किसी भी जो चीजें हमारे आसपास हैं उन्हें देखने में हमारी मदद करती हैं। ईयर सेंस ऑफ हियरिंग एंड लिसनिंग जो कान होते हैं बच्चों वो हमें सुनने में हमारी मदद करते हैं भी. Kind of हम हर प्रकार की जो साउंड है वो अपने कानों की मदद से सुन सकते हैं नोज हेल्पअस टू आइडेंटिफाई डिफरेंट स्मेल्स ए स्वीट स्मेल और फॉल स्मेल्स जो हमारी नोज होती है वो हमें डिफरेंट स्मेल को मतलब जो मीठी खुशबू होती है या गंदी स्मेल होती है उसे आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद कर सकती है टंग आइडेंटिफाई स्वीट सॉल्टी बिटर एंड सॉ टेस्ट और जो हमारी टंग होती है बच्चे उसे हम मीठा नमकीन खट्टा और कड़वा स्वाद अनुभव करते हैं इट गिव्स द सेंस ऑफ टेस्ट वो हमें टेस्ट करने का सेंस देती है स्किन गिवस अस द सेंस ऑफ टच आवर बॉडी ट का, का देती है जैसे अगर हम किसी चीज को टच करते हैं तो हमारी स्किन हमें बताती है कि वो चीज ठंडी है गर्म है या हमें दर्द हो रहा है अवर बॉडी इज कवर विद स्किन स्किन इज सेंसिटिव टू हीट कोल्ड पेन एक्सेट्रा और जो हमारी बॉडी होती है बच्चों हीट कोल्ड और पेन के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है अगर हम किसी गर्म चीज को छूते हैं तो हम एकदम से हाथ हटा लेते हैं क्योंकि हमें इस बात का एहसास होता है कि वो जो चीज है वो गर्म है ठंडी है या फिर अगर हमें चोट लग जाती है तो हमें पेन का एहसास होता है नेक्स्ट टॉपिक इज वेरियस सिस्टम ऑफ अवर बॉडी अब हम पढ़ेंगे अपनी बॉडी के बहुत ज्यादा अलग अलग सिस्टम के बारे में बच्चों वो बहुत ही अलग अलग इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन से मिलकर बनी है जो एक बहुत सारा काम करते हैं अस रीड अबाउट दिस सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी अगर अब हम इन ह्यूमन बॉडी के सिस्टम के बारे में आगे पढ़ेंगे तो पहला आता है बच्चों सिस्टम अवर बॉडी इज मेड ऑफ बोन्स दीज बोन्स together make up all skeletal system bones give shape and and support to our body and protect all the organs inside of our body देखिए बच्चों जो हमारी बोन्स होती है हमें हमारी जो बॉडी होती है वो बोन से मिलकर बनी होती है और जब बहुत सारी बोन एक साथ इकट्ठी हो जाती है तो स्केलेटल सिस्टम बनाती हैं या फिर स्केलेटन बनाती हैं और जो बोन्स होती हैं वो हमारी बॉडी को शेप देती हैं और सपोर्ट देती हैं साथ ही साथ हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने का भी काम बोन ही करती हैं इट हेल्प अस टू स्टैंड वॉक एंड मूव तो वो बोन्स ही हैं बच्चों जिनकी मदद से हम खड़े हो पाते हैं चल पाते हैं और मूव कर पाते हैं फेस द फैक्ट्स देयर आर 206 बोन इन अवर बॉडी आपको पता है बच्चों की हमारी बॉडी में 206 मतलब कि 206 बोन्स होती हैं हैं कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं बच्चों ये आपको एक स्केलेटल सिस्टम दिखाया गया है जिसमें एक अलग अलग जॉइंट्स भी आपको रिप्रेजेंट किए गए हैं ये रिब केज है ये बैक बोन है ये नी ज्वाइंट है, है और ये स्कल है तो ये पूरा मिलके क्या बनाते हैं बच्चों स्केलेटल सिस्टम सिस्टम मस्कुलर सिस्टम सिस्टम होता है वो मसल से मिलकर बना होता है और जो मसल्स होते हैं वो हमारी पूरी बॉडी को कवर रखते हैं दे आर अटैच टू द बोन्स और ये किससे अटैच होते हैं बोन से अटैच होते हैं अलोंग विद द बोन्स मसल्स हेल्प द बॉडी एंड इट्स पार्ट टू मूव बोन्स के साथ साथ बच्चों जो हम मसल्स होते हैं वो हमारी बॉडी पार्ट्स को मूव करने में भी, भी हमारी हेल्प करते हैं जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं ये नेक मसल्स है ये स्टमक लेग मसल्स और आर्म्स मसल्स फेस द फैक्ट देयर आर मोर देन 600 मसल्स इन अवर बॉडी हमारी बॉडी में 600 से ज्यादा मसल्स पाए जाते हैं नेक्स्ट आता है बच्चों नर्वस सिस्टम जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं बच्चों ये नर्व्स हैं ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स मेक नर्वस सिस्टम जब बच्चों हमारा ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स मिलते हैं तो एक नर्वस सिस्टम बनाते हैं दे वर्क एंड एंड कंट्रोल ऑल द बॉडी देयर जब ये एक साथ काम करते हैं तो हमारे सारे बॉडी पार्ट पर और उनके एक्शन पे कंट्रोल करते हैं दे सेंड एंड रिसीव सिग्नल ये बच्चों सिग्नल्स को भेजते भी हैं और रिसीव भी करते हैं They instruct them to do work like seeing, thinking, hearing, walking, etc. तो बच्चों जब ये एक साथ काम करते हैं तो हमें देखने में सोचने में सुनने में और चलने में भी हमारी मदद करते हैं जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं बच्चों कि हमारी बॉडी में कितनी सारी नर्व्स हैं। तो ये एक साथ मिलकर क्या बनाती हैं बच्चों नर्वस सिस्टम नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम द प्रोसेस ऑफ Changing food into simple form form to be used by the body, it's called digestion. process change हमारी बॉडी के द्वारा यूज कर लिया जाता है तो उसे हम डाइजेस्टिव डाइजेशन या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ intestine, स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस द फूड

द माउथ ज्यूज द फ्रूड एंड देंडेड टू द स्टमक सबसे पहले बच्चों जो खाना होता है वो हमारे मुंह में चबाया जाता है उसके बाद हमारे स्टमक में सेंड कर दिया जाता है इन द स्टमक द फ्रूड मेक्स विद द डायजेस्टिव जूसेज और बच्चों स्टमक में जो खाना है वो डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स हो जाता है जूसेस ब्रेक डाउन द फूड इनटू सिंपल सब्सटेंस और जो ये डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं बच्चों ये खाने को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक कर देते हैं आफ्टर सम टाइम द फूड गोज इंटू स्मॉल इंटेस्टाइन एंड फर्दर डाइजेशन उसके बाद बच्चों जो खाना होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है आगे के डाइजेशन के लिए डी सब्सेंस गो इन टू ब्लड एंड रीच ऑल दार्ट ऑफ अवर बॉडी उसके बाद जो ये सब होते हैं हमारे ब्लड में चले जाते हैं और हमारे बाकी बॉडी पार्ट्स में चले, चले जाते हैं अनडाइजेस्टेड फूड गोज टू दार्ज इंटेस्टाइन एंड सेंडेड द अनडाइजेस्टेड फूड आउट ऑफ अवर बॉडी थ्रू द उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड गोज टू है और उसके बाद बच्चों वो किस में भेज दिया जाता है हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है किसके थ्रू एनस के थ्रू जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं बच्चों कि कैसे ये जो सिस्टम है ये पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया जाता है नेक्स्ट आता है बच्चों रेस्पिरेटरी सिस्टम नोज विंड पाइप एंड लंग्स मेक द रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं बच्चों कि ये पूरी पिक्चर में हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सप्लेन किया गया है तो सबसे पहले नोज है फिर माउथ विंड पाइप है उसके बाद लंग्स है नीड ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है आप सभी को पता है द प्रोसेस ऑफ इज कॉल्ड रेस्पिरेशन और वो प्रोसेस जिसमें हम सांस लेते हैं उसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं द रेस्पिरेटरी सिस्टम सप्लाइज ऑक्सीजन टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वही बच्चों हमारे सारे डिफरेंट बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन को सप्लाई करता है वी इनहेल ऑक्सीजन थ्रू आवर नोज हम अपनी नोज की मदद से ऑक्सीजन को लेते हैं इट गोज टू अवर लंग्स थ्रू विंड पाइप और वो हमारे लंग्स में जाता है किसकी मदद से विंड पाइप की मदद से द द ऑक्सीजन ऑक्सीजन ब्लड इन लंग्स उसके बाद जो बच्चों होती है वो एंटर करती है हमारे ब्लड में और वो उसके बाद बच्चों जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड के थ्रू हमारे लंग्स में एंटर करती है फ्रॉम देयर इट गोज टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी और इसी के थ्रू बच्चों वो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंच जाती है ना इट गेट्स डर्टी एंड चेंजेस इन टू कार्बन डाइऑक्साइड उसके बाद जब वो खराब गंदी हो जाती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाती है वी द डर्टी एयर आउट ऑफ द बॉडी और हम अपने बॉडी से गंदी हेयर को बाहर निकाल देते हैं ब्रीदिंग प्योरिफाई और ब्लड इसीलिए जो बच्चों ब्रीदिंग होती है वो हमारे ब्लड को प्योरीफाई भी करती है नेक्स्ट आता है बच्चों सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट ब्लड एंड द ब्लड वेसल्स मेक द सर्कुलेटरी सिस्टम द हार्ट एक्ट लाइक अ पंप इट पुशेस द ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी थ्रो स्मॉल एंड लार्ज ब्लड वेसल्स अब देखिए बच्चों जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें जो ब्लड होता है और ब्लड वेसल्स होते हैं जो सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं ये एक सर्कुलेटरी सिस्टम की पिक्चर है इसमें हार्ट है और ब्लड वेसल्स हैं हार्ट एक्ट लाइक अ पंप जो हार्ट होता है बच्चों वो एक पंप की तरह हार्ट होता है वो सारे ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट्स में डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाता है थ्रू स्मॉल एंड लार्ज ब्लड वेसल्स किसकी मदद से लार्ज और स्मॉल ब्लड वेसल्स की मदद से प्योर ब्लड कैरीज ऑक्सीजन एंड अदर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिय टू डिफरेंट

वेस्ट ऑफ द बॉडी नीड्स टू बी रिमूव रेगुलरली फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी अब देखिए बच्चों जो एस्क्रेटिव सिस्टम होता है वो बनता है किडनी से स्किन से और लंग्स से क्योंकि बच्चों हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटीरियल होता है उसका हमारे बॉडी से रोज बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है अवर बॉडी थ्रो आउट वेस्ट मटीरियल थ्रो डिफरेंट ऑर्गन और जो हमारी बॉडी होती है वो डिफरेंट ऑर्गन की मदद से हमारी बॉडी से वेस्ट मटीरियल ब्लड में जो अनवांटेड मटेरियल होता है उसको यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकालती है अवर स्किन रिमूव्स स्वेट स्वेट बाहर निकालती है वी रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम अवर लंग्स व्हेन वी ब्रीथ आउट और जब हम जब हम सांस लेते हैं बच्चों तो हम कार्बन तो हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए जरूरी नहीं है नाउ फन एक्टिविटी आइडेंटिफाई द पिक्चर्स एंड मेंशन द द नेम ऑफ इन स्पेस गिवन ब्लू आपको बच्चों इन पिक्चर्स को देखना है और आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा ऑर्गन सिस्टम है तो पहला आता है बच्चों आपका स्केलेटल सिस्टम सेकेंड है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम थर्ड है आपका मस्कुलर सिस्टम और लास्ट है बच्चों आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम नाउ वर्ड्स टू नो ब्लड रेड लिक्विड कैरीज ऑक्सीजन इन अवर बॉडी वो रेड कलर का लिक्विड बच्चों जो हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करता है उसे हम ब्लड कहते हैं नेक्स्ट आता है बच्चों रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अवर बॉडी अस टू प्रोड्यूस बेबी वी प्रोड्यूस ंग वंस लाइक अस थ्रू रिप्रोडक्टिव सिस्टम अब देखिए बच्चों जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें हमारी जो बॉडी होती है वो हमारे बेबीज को प्रोड्यूस करने में हमारी हेल्प करती है रिप्रोड्यूस यंग लाइक अस और हम अपने ही जैसे छोटे बच्चों को जन्म देते हैं थ्रू रिप्रोडक्टिव सिस्टम इट हेल्प इन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ क्योंकि बच्चों इस प्रकार से हमारी जो अर्थ है उसमें लाइफ की कंटिन्यूटी बनी रहती है नाउ try out give one example for each of the following आपको हर इस सिस्टम का एक एग्जांपल आपको देना है तो पहला आता है बच्चों सर्कुलेटरी सिस्टम तो करेक्ट आंसर इज हार्ट नेक्स्ट इज डाइजेस्टिव सिस्टम तो करेक्ट आंसर इज स्टमक थर्ड इज रेस्पिरेटरी सिस्टम तो करेक्ट आंसर इज लंग्स लास्ट इज स्केलेटल सिस्टम तो करेक्ट आंसर इज बोन्स नाउ स्क्रैच योर माइंड आवर बॉडी circulatory system vessels blood heart excretory system lungs skin kidney reproductive system skeletal system bone muscular system muscles nervous system brain spinal cord nerves digestive systems mouth stomach small intestine large intestine anus रेस्पिरेटरी सिस्टम लंग्स विंड पाइप नोज सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर आई होप आप सभी को यह चैप्टर समझ में आया होगा अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में तब तक के लिए बाय